चलो दोस्तों स्टार्ट करें। चलो दोस्तों तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अब अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? चैप्टर नंबर 5 कोर बैंकिंग सिस्टम। ओके, कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों, पहली चीज तो व्हाट डू मीन बाय बैंक। बैंक क्या होता है दोस्तों? इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट किया जाता है दोस्तों डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड क्रिएट करता है क्या दोस्तों? क्रेडिट, दैट इज अ बैंक। अब बैंक की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले ही जानना होगा बैंक की मेजर सर्विसेज क्या क्या है दोस्तों। तो बैंक की मेजर सर्विसेज में सबसे पहले क्या है दोस्तों? दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, फिर रेमिटेंस। रेमिटेंस कैसे होता है? डीडी से, ईएफटी से, टीटी से, एमटी से। फिर बैंक कलेक्शन करके देता है, क्लियरिंग की सर्विसेज देता है जिसमें ईसीएस है, डेबिट, ईसीएस है, क्रेडिट। लेटर्स देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी। कार्ड की अगर अपन बात करें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कुछ अदर ऑपरेशंस के बारे में यहां पर हम बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की। जो बैंक क्या कहता है दोस्तों? डिपॉजिट लेता है कस्टमर्स इन द वेरियस स्कीम्स फॉर सम प्री डिफाइंड पीरियड, लाइक फिक्स डिपॉजिट लेता है, सेविंग में लेता है, करंट अकाउंट में लेता है। इस तरीके से वो क्या कहता है? बहुत सारे पैसे आपसे लेता है। फिर बैंक क्या कहता है दोस्तों? आपको लोन देता है। लोन देने के अलग अलग तरीके हैं बैंक के पास, लाइक सीसी है, ओडी है, परचेज ऑफ बिल है, टर्म लोन है, एटसेट्रा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो दोस्तों रेमिटेंसेस बैंक ट्रांसफर करने में भी करता है, दैट इज उसमें डीडी है, ईएफटी है, टीटी है, एमटी है। डीडी की बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट, ईएफटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, टीटी की बात करें तो टेलीफोन ट्रांसफर, ठीक है, और एमटी की मतलब मेल ट्रांसफर। अब ईएफटी की अगर अपन बात करें दोस्तों तो यहां पे तीन चीजें होती है, आरटीजीएस होता है, आईएमपीएस होता है, एनईएफटी होता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आरटीजीएस की, तो आरटीजीएस का अपन फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होता है, मिनिमम 2 लाख और इंस्टेंट होता है। आईएमपीएस की बात की जाए तो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, 24/7 होता है, अपटू 2 लाख और मिनिमम दैट इज इंस्टेंट होता है। एनईएफटी दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर दोस्तों, 8 बजे 6 तक के कोई लिमिट नहीं है और इसमें काम जो है वो बैचेस में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कलेक्शन। आपके लिए कलेक्शन करने का भी काम कौन करके देता है दोस्तों? बैंक करके देता है। आपका डिविडेंड कलेक्ट करना हो, आपका इंटरेस्ट कलेक्ट करना हो, आपका बिल कलेक्ट करना हो, ये सारा काम कौन करके देगा दोस्तों? बैंक करके देगा। फिर क्लियरिंग ऑफ चेक्स में भी करता है, एक हो जाता है उसमें ईसीएस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ईसीएस डेबिट और ईसीएस और दोस्तों क्रेडिट। ईसीएस डेबिट में क्या हो जाता है? जो सिंगल पेयर होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है? रिसीवर। जैसे कि कंपनी को जब डिविडेंड देना है, तो यूज करती ईसीएस डेबिट। और अगर मान लीजिए सिंगल रिसीवर को बहुत सारे लोगों से पेमेंट लेनी है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी को बहुत सारे लोगों से प्रीमियम लेना है, नगर निगम को बहुत सारे लोगों से टैक्स लेना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत सारे लोगों से इनकम टैक्स लेना है, तो वो क्या हो जाता है? ईसीएस क्रेडिट। फिर नॉन फंडेड भी हमें मिलते हैं दोस्तों कुछ लोन, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ गारंटी है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या हो जाता है दोस्तों? एक अंडरटेकिंग बाय द बैंक होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर टू पे द अमाउंट व्हिच इज प्रोवाइडेड इन द टर्म्स। और गारंटी के अंतर्गत क्या हो जाता है? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन रहता है कि भैया ये पे नहीं करेंगे तो मैं पे कर दूंगा, दैट इज नोन एज व्हाट? गारंटी। फिर कार्ड्स भी हमें देते हैं दोस्तों। कार्ड होते हैं 2 प्रकार के, एक हो जाता है क्रेडिट कार्ड और एक हो जाता है डेबिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड हो जाता है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है दोस्तों आप अपने मर्चेंट को पहले ही क्या कर सकते हैं? पे कर सकते हैं और उसके लिए बिल जो है वो बाद में जनरेट हो जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रेडिट कार्ड। ओके, डेबिट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो डेबिट के केस के अंतर्गत बेसिकली बैंक क्या करती है दोस्तों? आपको बेसिकली क्या कर देती है? अमाउंट आपको बाद में क्या करना पड़ता है दोस्तों? देना, मतलब अमाउंट आपको अभी ही देना पड़ेगा, बैंक में पहले से ही अमाउंट रहेगा और उतने ही अमाउंट का आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? खर्चा कर सकते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों? डेबिट कार्ड। ओके, फिर कुछ अदर ऑपरेशंस हैं, अदर ऑपरेशंस के अंतर्गत लाइक बैक ऑपरेशन, रिटेल बैंकिंग, हाई नेटवर्थ बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब क्या हो जाता है दोस्तों? अदर सर्विसेज। ठीक है, बैक ऑपरेशन मतलब सारे बैक ऑफिस के ऑपरेशंस यहां पर होते हैं। रिटेल बैंकिंग मतलब कि अगर हम बात करें दोस्तों, जो रिटेल बैंकिंग मतलब चिल्लर बैंकिंग को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? रिटेल बैंकिंग। ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जैसे कि अंबानीज हो गए, टाटाज हो गए, इन्फोसिस हो गया, इनके पास इतना पैसा आता जाता है तो इनको सर्विसेज दिया जाता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के तहत। फिर रिस्क मैनेजमेंट एट ऑल लेवल, ऑब्वियसली बात है, आज रिस्क भी मैनेज करना पड़ जाता है क्योंकि बैंक के पास इतना सारा पैसा किसका है? जनता का है, टाइमली बेसिस पर जनता को भी मिलना चाहिए, तो इसके लिए वो क्या कहते हैं? रिस्क को भी क्या कहते हैं? मैनेज कहते हैं। फिर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है कुछ बैंक के द्वारा जो कि बेसिकली यहां पर दी हुई है 3। पहला क्या है? लोन। दूसरा क्या है? अंडरराइटिंग। और तीसरा क्या है? लाइफ इंश्योरेंस। लोन मतलब के बेसिकली जो मनी गिवन टू दी अदर पर्सन होता है ताकि हमें वो आगे वो पैसा रिटर्न करेगा, इंटरेस्ट देगा, उसे अपन क्या बोलते हैं? लोन। अंडरराइटिंग की सर्विसेज होती है, ये अंडरराइटिंग वो अंडरराइटिंग नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अंडरराइटिंग यहां पर हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेडिट वर्दीनेस को पता करना, इज नोन एज अंडरराइटिंग सर्विसेज। और लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी यहां पर बैंक हमें आजकल करके देता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिकली अब बात करेंगे डेट इज अबाउट द फीचर्स ऑफ बैंक के बारे में, बैंक के क्या क्या फीचर्स है दोस्तों। तो बैंक के फीचर्स की अगर अपन बात करें तो चार फीचर्स है दोस्तों। पहला क्या है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ मनी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांच एंड इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। आज अगर हम बात करें तो बैंक के अंतर्गत ये विशेषताएं आपको देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेगी कि बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, बहुत सारी ब्रांचेज है एंड यहाँ पे फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा है। ओके, अब अपन बात करने जा रहे हैं किसके बारे में दोस्तों, कोर बैंकिंग सिस्टम के बारे में, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, CBS। अब कोर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट, समझ में आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CBS की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो CBS क्या है, CBS एक कॉमन IT सोल्यूशन है जहां पे सारा का सारा जो डेटा है वो एक जगह ही बैंक का स्टोर हो जाता है। आज इतनी सारी ब्रांचेस है लेकिन डेटा कहां स्टोर होगा, एक ही सर्वर पे होगा दोस्तों, और उसी के दम पे पूरा का पूरा क्या चलेगा दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम चलेगा। तो ये हो जाती है कहानी किसी CBS की। अगर मैं CBS के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं दोस्तों, तो CBS के अंतर्गत सबसे पहली चीज है यहां पे कितने डेटाबेस होते हैं, एक डेटा सेंट्रल डेटाबेस, एक ही एप्लीकेशन होता है सेंट्रल एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड होती है। यहां पर जो कस्टमर जो है वो पूरे बैंक का, वो एक ब्रांच का नहीं है, इसे आसानी से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ब्रांचेस सिर्फ एक डिलीवरी चैनल की तरह होती है एंड इट इज मॉड्यूलर इन स्ट्रक्चर एंड इज केपेबल टू बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेजेस, समझ में आ गया। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CBS, सेंट्रल डेटाबेस, सेंट्रल एप्लीकेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, कस्टमर बैंक का है ब्रांच का नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ब्रांचेस एंड मॉड्यूलर इन स्ट्रक्चर। कुछ एग्जांपल्स के बारे में देख लो दोस्तों, CBS के अलग अलग एग्जांपल्स अपन ने देखे थे, फिनएकल, फिन वन, फ्लेक्सी क्यू, बैंक्स, बैंकमेट, फिनएकल, फिन वन, फ्लेक्सी क्यू, बैंक्स, बैंकमेट। फिनएकल किसे बनाया दोस्तों, इंफोसिस ने, यूनिवर्सल बैंकिंग है कवरिंग ऑल सॉर्ट ऑफ व्हाट दोस्तों, बैंकिंग फंक्शनैलिटी, सारे मॉड्यूल्स इसमें। फिन वन वेब बेस्ड है, ग्लोबल है, डीलिंग इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। फ्लेक्सी क्यूब की बात की जाए दोस्तों, तो ये कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा है, कस्टमर मैनेजमेंट के लिए कॉम्प्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड मॉड्यूल सॉल्यूशन टू मैनेज व्हाट कस्टमर। बैंक्स भी जो है वो कस्टमर सेंट्रिक बनाया गया, लेकिन इसमें लोन्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, कंप्राइजिंग ऑफ लोन, डिपॉजिट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड बैंकमेट जो है दोस्तों वो एनी टाइम एनीवेयर बिजनेस सर्विसेज देने के लिए क्या है दोस्तों, बैंक्स बनाया गया। ओके, अब ये CBS को अगर आपको यूज करना है दोस्तों, तो देयर आर, आपको समझना होगा मॉड्यूल ऑफ CBS। जो मॉड्यूल है दोस्तों वो तीन है दोस्तों, जैसा कि अपन जानते ही हैं कि भाई पहली चीज अगर हम बात करें, मुझे आज अगर मान लीजिए ATM में जाना है और ATM से क्या निकालना है, पैसा निकालना है, तो मैं जो मशीन से बात करता हूं, मशीन हो जाती है क्या दोस्तों, फ्रंट मॉड्यूल। क्या हो जाती है, फ्रंट मॉड्यूल। ऑब्वियसली बात है वो पीछे जाएगी और पीछे जाकर के सारी चीजों का वैलिडेशन चेक करेगी और मेरे को पैसा देगी, तो ऑब्वियसली बात है वो पीछे जाकर के जब वैलिडेशन कराती है तो कहां कराती है, बैक मॉड्यूल में, कहां कराती है, बैक मॉड्यूल में। और मेरा जो पूरा डेटा होता है वो सेंट्रल डेटा होता है, तो इसे अपन क्या बोल देते हैं दोस्तों, सेंट्रल सर्वर, जो कि आता है बीच में। तो फ्रंट मॉड्यूल, सेंट्रल सर्वर, बैक मॉड्यूल, समझ में आ गया। तो यहां पर अगर हम बात करें मॉड्यूल्स ऑफ व्हाट दोस्तों, CBS, तो आपको बेसिकली एक मिलेगा फ्रंट एंड एप्लीकेशन, एक मिलेगा बैक एंड एप्लीकेशन। फ्रंट एंड की अगर मैं बात करूं तो आप किस किस तरीकों से बैंक को अप्रोच करते हैं, तो एक है इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, बैंकिंग। पहला कौन सा है, इंटरनेट बैंकिंग। आप क्या कर पाते हैं दोस्तों, आप वेबसाइट के थ्रू जाते हैं बैंक के अंतर्गत, और बैंक के अंतर्गत आप वेबसाइट से ही जा करके अपना FD ओपन कराना है, RD अकाउंट ओपन कराना है, अपनी डिटेल देना है, रिक्वेस्ट करना है चेकबुक का, ये सब यहीं हो जाता है। आज मैं स्क्रीन में जाऊंगा, ऑनलाइन SBI.com डालूंगा, ये कौन सी बैंकिंग हो गई, इंटरनेट बैंकिंग, और ये मेरा लैपटॉप जो है ये फ्रंट मॉड्यूल। यही चीज मैं मोबाइल से करने लग जाऊं तो क्या बन जाएगा बताइए, मोबाइल बैंकिंग। यही चीज मैं फोन से करने लग जाऊं, क्योंकि भाई मुझे फोन पर्टिकुलरली क्या हो जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं फोन से बैंकिंग करते हैं, ठीक है, वो लोग मोबाइल ऐप यूज करते नहीं आता, उन्हें इंटरनेट बैंकिंग नहीं आता, तो किससे करते हैं, फोन से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो ब्रांच में डायरेक्टली क्या करते हैं, कॉल करते हैं, और ब्रांच से क्या करा देते हैं दोस्तों, वहीं से ही सारी चीजें करा लेते हैं, लाइक माई पापा, यस ऑनेस्टली वो बैंक में ही फोन करते हैं, ठीक है। तो उनको अगर कोई डिटेल पता करनी हो तो उनके सब ID पासवर्ड, लेकिन उनको इतना टेक्नो फ्रीक नहीं है, वो डायरेक्टली फोन लगाते मैनेजर, हमारे पहचान का है, डायरेक्टली मैनेजर को लगाया, मैनेजर को बोला एक दो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो हुआ, उसके बाद बोलते सर एक काम था वो बैलेंस बता देंगे क्या, तो मैनेजर बैठ करके क्या कर रहा है, अकाउंट का बैलेंस बता रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैं बोलता भी हूं कि भाई अपने पास है, क्या दिक्कत है, ID है, पासवर्ड है, क्यों परेशान करना, बट वो आदत में ही है,
क्योंकि हमेशा से ही उन्होंने वही चीज किया। अब आईटी ओरिएंटेड उतने हुए नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो ऑन दैट बेसिस अब वो बहुत ही कम जगहों पर अब वो अब जिनके साथ संबंध है, अब जैसे जो बैंक में उन्होंने बचपन से अकाउंट खोला उसमें संबंध है तो उसका वो कहते हैं। अभी जो नए बैंक अकाउंट अगर हमने कहीं खोले होंगे जिसके अंतर्गत लगता है कि नहीं यहाँ पे फोन करने से बात नहीं होगी, तो फिर वहां पर वो क्या यूज करें, इंटरनेट बैंकिंग। तो मजे सभी ले रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और फोन बैंकिंग। फिर ब्रांच बैंकिंग हो जाती है, डेट इज आप कहाँ जाते हैं बताइए, ब्रांच में जाते हैं और वहां जाकर के दोस्तों मस्त एकदम चाय कॉफी के साथ जो बातचीत होती है उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रांच बैंकिंग, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, फ्रंट मॉड्यूल। फ्रंट मॉड्यूल जो है दोस्तों ऑब्वियसली बात है वो पीछे जाकर के बात करेगा बैक मॉड्यूल से। बैक मॉड्यूल के अंतर्गत क्या क्या होता है दोस्तों, बैक ऑफिस, डेटा वेयरहाउस, क्रेडिट कार्ड सिस्टम, एटीएम स्विच, सब चीजों के लिए अलग अलग जुदा जुदा चीजें दी गई है। जैसे है क्रेडिट कार्ड सिस्टम, अब क्रेडिट कार्ड सिस्टम यहां मतलब बैक एंड पे होगा जिसमें क्रेडिट कार्ड के जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसकी पूरी क्या है इन्फॉर्मेशन है, लाइक कस्टमर मैनेजमेंट यहाँ पे होता है, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट होता है, अकाउंट मैनेजमेंट होता है, जनरल लेजर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सब कुछ यहाँ पर ही होता है। फिर एक हो जाता है एटीएम स्विच। एटीएम स्विच क्या हो जाता है दोस्तों, एटीएम स्विच मतलब बेसिकली क्या है कि भाई आज एटीएम में जा करके क्या करना है भाई, अपन लोग को जब काम करना होता है तो हम कार्ड डालते हैं, पिन डालते हैं, ये सारी चीजें जो हम करते हैं ये सब जो है जो ट्रांजेक्शन का वैलिडेशन वगैरह होता है वो सब कहाँ होता है, एटीएम स्विच में जो पीछे होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट डेट अलाउ कस्टमर टू कंप्लीट बेसिक ट्रांजेक्शन विदाउट द एड ऑफ ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कैन बी यूज इन एटीएम मशीन। फिर क्या दोस्तों, बैक ऑफिस। बैक ऑफिस मतलब कि वही हो गया जहां पे सारा काम होता है, पोर्शन ऑफ द कंपनी हु आर नॉट क्लाइंट फेसिंग, मॉनिटरिंग एम्प्लॉइज कॉन्वर्सेशन एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर नॉट ट्रेडिंग फॉरबिडन सिक्योरिटीज। तो ये क्या हो जाता है, बैक ऑफिस का काम होता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ये जो ऑडिटर्स भी बैठते हैं सब कहां बैठते होंगे, बैक ऑफिस में। ओके, डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस मतलब बेसिकली क्या कहता है दोस्तों, इतना लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है वहां पर वो डेटा पड़ा रहता है, ठीक है, तो वो डेटा वेयरहाउस है, सिंप्लीफाई करता है, स्टैंडर्डाइज करता है डेटा की गैदरिंग को। इतना सारा डेटा आता रहता है ना, आज कितने सारे ट्रांजेक्शन बैंक में होते रहते हैं और साथ ही साथ वो सारा डेटा इसी डेटा वेयरहाउस में पड़ा रहता है। आज आप समझ लो इतने सारे कस्टमर रोज लेन देन चल रहा है, तो इतना सब कुछ मैनेज कहीं ना कहीं तो करना पड़ता है, तो वो कहां होता है, डेटा वेयरहाउस में होता है। उसके बाद है में सेंट्रल सर्वर। अब पहले के जमाने में क्या होता था, सभी का अलग अलग जुदा जुदा क्या होता था, डेटा वेयरहाउस होता था, सभी का अपना डेटा ही रहता था। सब भाई आज नेपियर टाउन ब्रांच है उसका अलग है, सदर ब्रांच का अलग है, अंधेरी ब्रांच का अलग है, अपना सिविल लाइन ब्रांच का अलग है, सब अलग अलग ही मेंटेन करते थे। लेकिन अभी अभी अपन ने समझा कि भाई बैंक की एक खास बात है कि अब जो कस्टमर है वो ब्रांच का नहीं, हो किसका है, बैंक का है। तो ऑन दैट बेसिस अब अपन को ऐसा सर्वर चाहिए जहां पर सभी लोगों का डेटा एक जगह आ जाए ताकि कोई भी ब्रांच उसे क्या कर पाए, इजिली एक्सेस कर पाए। तो इसकी के लिए कौन सा सर्वर बनाया दोस्तों, सेंट्रल सर्वर। इनिशियली ट्रांजेक्शन यूज्ड टू टेक वन डे टू गेट रिफ्लेक्टेड इन रियल अकाउंट, नाउ डे ऑल बैंक्स आर यूजिंग कोड थ्रू विच डिपॉजिट मेड इन एनी ब्रांच आर रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली एंड कस्टमर कैन ड्रॉ मनी फ्रॉम Anywhere। इसीलिए तो जो बच्चे अगर मान लीजिए यहाँ के ना हो, ठीक है, तो आपके पापा मम्मी क्या करते हैं दोस्तों, कहीं और पे पैसे डिपॉजिट करते हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, फीचर्स ऑफ CBS की, ठीक है, CBS का क्या फीचर्स है। फीचर्स ऑफ CBS के बारे में अगर अपन बात करें दोस्तों, तो CBS में डेट इज कोर बैंकिंग सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग देखने को मिलता है, ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इमीजिएटली, ऑल डेटाबेसेस आर अपडेटेड साइमल्टेनियसली, सेंट्रलाइज ऑपरेशन, रिमोट इंटरेक्शन कहीं से भी कस्टमर का हो जाता है, रिलायंस और ट्रांजेक्शन बैलेंसेज एनी टाइम एनी वेयर एक्सेस मिल जाता है, सेंट्रलाइज इंटरेस्ट एप्लीकेशन फॉर ऑल अकाउंट एंड अकाउंट टाइप, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो जाती है, डेली हाफ ईयरली एंड एनुअली क्लोजिंग हो जाती है, हम सिस्टम बेस्ड कंट्रोल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। समझ में आया दोस्तों, पक्का। चले अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर, तो अब हम बात करने वाले वेरियस टाइप ऑफ सर्वर के बारे में, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सर्वर जो कि हमने कहां देखे हैं दोस्तों बताइए, CBS के अंदर। CBS के अंतर्गत बहुत ही अलग अलग प्रकार के क्या है दोस्तों, सर्वर याद होगा आपको, डेट इज एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एटीएम चैनल सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, एंटीवायरस सर्वर, सर्वर सर्वर याद आ रहा है दोस्तों, पक्का। आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कौन से सर्वर की दोस्तों, एप्लीकेशन सर्वर। आप मुझे बताइए दोस्तों, आज अगर आपको CBS को यूज करना है तो उसके लिए आपके फोन पे क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन कहां होता है,
फोन पे नहीं होता है, ऊपर होता है एक क्लाउड में, डेटा सेंटर में, उसे अपन क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर, जहां पे एप्लीकेशन को रखा जाता है और वहीं पे ही एप्लीकेशन को अपडेट किया जाता है। तभी तो जब पुराना वर्जन निकाल के नया डालते हैं तो तुम्हें बोलते अपडेट करो, तो अपडेट करते हो तो अपने फोन पे जो नीचे आता है तो वो जहां से आता है वो क्या प्लेस है, एप्लीकेशन सर्वर। वहां पर अर्लियर वर्जन शुड बी आर्काइव्ड एंड द लेटेस्ट कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर शुड बी हैव अ बैकअप। द चेंज एंड लेटेस्ट एप्लीकेशन शुड बी मूव्ड इनटू द एप्लीकेशन सर्वर अंडर प्रॉपर अथॉरिटी। नेक्स्ट है क्या दोस्तों, डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर में एंटायर डेटा ऑफ द बैंक रखा जाता है दोस्तों, कस्टमर का डेटा, मास्टर डेटा, एफडी रेट्स, रेट्स ऑफ लोन्स, पेनल्टी, सब कुछ कहां रखा जाता है बताइए, डेटाबेस सर्वर में। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का? चलिए, डेटाबेस सर्वर के बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट आ जाता है एटीएम, एटीएम चैनल सर्वर। एटीएम चैनल सर्वर क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे डिटेल्स ऑफ द कस्टमर्स होती है जिनके पास क्या होता है एटीएम कार्ड होता है। और यही जो है दोस्तों, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हमारा मेन सर्वर होता है वो बहुत बिजी होता है। अब वो बहुत बिजी है क्योंकि लास्ट डे चल रहा है, क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, सेंट्रल सर्वर पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो ऐसे केसेस के अंतर्गत अब एटीएम खामा सेंट्रल सर्वर को परेशान करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए सेंट्रल सर्वर से वो क्या बोलता है, भाई तू कुछ मत कर, तू मुझे ना एक फाइल दे दे जिसका नाम है पीबीएफ, पॉजिटिव बैलेंस फाइल। वो पॉजिटिव बैलेंस फाइल दे देते हैं, तो आपने जैसे एटीएम का कार्ड डाला, ओके ओके किया, तो आपका वो जो एटीएम चैनल सर्वर होता है उसके पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव बैलेंस फाइल होती है। वो उससे चेक कर लेता है कि हां भाई जितना मांग रहे जितना है वो है, वो ओके करके आपको दे देता है। आपको देने के बाद अभी सेंट्रल सर्वर में डेटा ऊपर अपलोड होता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो डेटा सर्वर अपना मेन सर्वर क्या हो गया, फ्री हो गया, वैसे ही वो उठा करके से कहां डाल देता है बताइए दोस्तों, मेन सर्वर में डाल देता है। वंस द सेंट्रल सर्वर बिकम एक्सेसिबल ऑल द ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस एट सच टाइम, ठीक है, एज द सेंट्रल डेटाबेस बिकम अनएक्सेसिबल वुड बी अपडेटेड इन द सेंट्रल डेटाबेस। इससे एटीएम का काम चलता रहता है। तो एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एटीएम चैनल सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर क्या है दोस्तों, यहां पे एटीएम की फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग की जिन्होंने फैसिलिटी लेकर के रखी है उनकी पूरी डिटेल इंक्लूडिंग पासवर्ड, इंक्लूडिंग पासवर्ड वो कहां पे रख देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर में। आपने सर पासवर्ड को इतनी इज्जत क्यों दी, चलो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपन। चले हाँ ओके, अभी ठीक हो गया, जल्दी से बताइए। बोलिए। यस सर। अरे छोरे उनको बोल बहुत ब्लर है। ओके वन सेकेंड, ब्लरनेस ठीक करनी है। चलो भाई ब्लरनेस ठीक करनी है। ब्लर दिख रहा है क्या? चलो ब्लर नहीं है। ओके हो गया, ठीक है। ठीक है, लेकिन मेरे इस पर इंटरनेट नहीं आ रहा है।
Okay, everything is okay. Just one second. Okay. चलो ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो अपन बातें कर रहे हैं किसकी दोस्तों, डेट इज अबाउट दी टाइप्स ऑफ सर्वर्स से रिगार्डिंग अपन बातें कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्या है दोस्तों, सर्वर्स हैं। ठीक है, पहला सर्वर अपन ने कौन सा देखा बताइए दोस्तों, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ATM चैनल सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। अब आइए दोस्तों बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर की। भाई अगर अपन बात करें दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर के अंतर्गत क्या हो जाता है दोस्तों, ये ऑथेंटिकेट करता है यूजर की लॉगिन आईडी पासवर्ड्स वगैरह। आज अगर कोई भी यूजर को क्या करना है, लॉगिन वगैरह करना है, तो उसकी जो आईडी पासवर्ड है वो कहां पर रहेगी बताइए, उसके इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर पर रहेगी। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें वेब सर्वर, ऑब्वियसली बात है जितनी भी वेबसाइट वगैरह वो सब कहां होस्ट की जाती है बताइए, वेब सर्वर पे होस्ट की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा कौन सा दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है दोस्तों, अपना नेटवर्क सर्विसेज देता है ताकि वो क्लाइंट को एक इनडायरेक्ट कनेक्शन से क्या दे पाए, नेटवर्क की सर्विसेज दे पाए। तो उसके लिए जो सर्वर वहां पे बना होता है उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट हो जाता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर, ताकि भाई वो डिप्लॉय करके रखते हैं अपनी वेबसाइट पे एंटीवायरस, ताकि कल के दिन कोई भी आकर के उनकी वेबसाइट पे क्या ना कर दे, अटैक ना कर दे। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का फिक्स है अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डेट इज अबाउट दी इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस को लेकर के। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग की अलग अलग कुछ क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रोसेसेस हैं जो कि हमें समझना है। आइए अब हम उस इंटरनेट बैंकिंग की प्रोसेसेस को समझेंगे। अब इंटरनेट बैंकिंग की प्रोसेस की अगर हम बात करें, आपको अगर इंटरनेट बैंकिंग दैट इज आपको अपने यहाँ पर क्या ओपन कराना है दोस्तों, एक आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग का आईडी एंड पासवर्ड चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो सारी बातें जो है दोस्तों वो यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज के लिए, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा बताइए, बैंक में जाना पड़ेगा बताइए, सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अरे बोलते ही नहीं हो रे, बैंक पे। ठीक है, या फिर वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिंग द वेबसाइट ऑफ द बैंक, फिर यूजर को क्या किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है टू द सिक्योर वेब ब्राउजर, जहां पर आप अपना जो वेब सर्वर होता है दोस्तों वो कहां पर होता है, सेंट्रल डेटा सेंटर ऑफ द बैंक में। ठीक है, उसको किससे प्रोटेक्ट किया गया दोस्तों बताइए, फायर वॉल से। वेब पेजेस में सारी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट पे होती है वो सारी चीजें दी जाती है, लेकिन जो पासवर्ड होता है वो डिस्प्ले नहीं किया जाता, प्लेन फॉर्मेट पे। वो कौन से फॉर्मेट पे दिया जाता है दोस्तों, साइफर टेक्स्ट में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट बात आ जाती है दैट इज अबाउट की भाई जो वेब सर्वर है। ठीक है, अब वेब सर्वर में आपको अगर मान लीजिए अपना कस्टमर की जो डिटेल्स है वो सबसे पहले कहां फॉरवर्ड की जाती है बताइए, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर पे, जहां से आपको फिर क्या दे दिया जाता है दोस्तों, एक्सेस दे दिया जाता है किसका, इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर का। सिंपल सा है, वापस आते हैं अपन पढ़ क्या रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग की क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या ओपन करोगे, वेबसाइट ओपन करोगे, तो आप कहां पहुंच जाओगे, सिक्योर वेब ब्राउजर में, फिर वहां से आपको वेब सर्वर में लेकर जाएंगे जो सेंट्रल डेटा सेंटर है बैंक का। अच्छा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाई गई है बताइए, फायरवॉल्स लगाई गई है। अच्छा, वेब पेजेस जो है उसके अंदर सारी पब्लिक इंटरेस्ट दिखाई जाती है, की इंफॉर्मेशन डाली जाती है, लेकिन बेसिकली क्या नहीं किया जाता दोस्तों, पासवर्ड को डिस्प्ले नहीं किया जाता। ओके, वेब सर्वर जो है दोस्तों उसमें जो है वेब सर्वर में जैसे ही आप जाते हो वहां पर डिटेल डालते हो, वो डिटेल्स फॉरवर्ड की जाती है IBAS में, दैट इज इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर में, जहां पे वो चेक करते हैं, और चेक करने के बाद आपको एक्सेस करने का मौका मिल जाता है किसको, That is IDBS को। अच्छा, IDBS that is इंटरनेट बैंकिंग क्या डेटाबेस सर्वर को मिल जाता है, जहां पे सारे के सारे लोगों का क्या रहता है बताइए, इंफॉर्मेशन रहता है। अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर मैच नहीं करता है आपका, तो एक्सेस डिनाइड का मैसेज आ जाता है, और यूजर नेम पासवर्ड अगर आपका मैच कर जाता है तो बेसिकली आप आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक्सेस डिनाइड का मैसेज ये भी कितनी बार आएगा दोस्तों, 3 बार ही आएगा।
अच्छा, अब इंटरनेट डेटाबेस सर्वर आपको ऑथेंटिकेट करता है, वापस से आईबीएएस के पास आप जाते हैं। आईबीएएस आपको क्या देता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। किसको दोस्तों? कस्टमर को। कस्टमर्स में से चूज करता है मुझे क्या करना है, स्टॉप पेमेंट कराना है, चेक मांगना है, बैलेंस देखना है, ट्रांसफर करना है, एटीएम चाहिए, पासवर्ड चेंज करना है, जो उसको करना है वो करता है। वो बताता है किसको दोस्तों, वो बताता है भाई मुझे पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंजिंग सारी प्रोसेस कहां पर होती है? आईबीएएस में होती है। नहीं आया? आ गया। चलो दोस्तों, नेक्स्ट बात अपन ने पढ़ी थी दोस्तों कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो भाई यहां पर अगर आपको फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस अगर आपको करना हो, तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ऑर्डर को प्लेस करते हैं, जो कि वेब मर्चेंट के वेब सर्वर पर करते हैं। वो जाता है कहां पर दोस्तों? गेटवे पर, पेमेंट गेटवे पर। पेमेंट गेटवे पर रिक्वेस्ट होती है इन्फॉर्मेशन किससे? बैंक से। बैंक आपको रिस्पॉन्स करता है कि हाँ इनके पास पैसा है, ओटीपी सही डाला है, पासवर्ड सही डाला है। वो बताता है किसको? वापस से मर्चेंट के वेब सर्वर को। मर्चेंट फिर बता देता है किसको? कस्टमर को, यस योर अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड। नहीं आई हूं, आ गया। चलो, हाउ डज सीबीएस वर्क? इनफैक्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो सीबीएस बनाना है तो क्या करना पड़ता है, ये उसके बारे में बातचीत है। सीबीएस के लिए अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली चीज क्या होती है दोस्तों? डेट इज प्लानिंग। क्या होती है दोस्तों? प्लानिंग। सबसे पहली चीज अगर आपको इंप्लीमेंट करना है सीबीएस को, तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको कौन सा बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। फिर आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा? पैसा। पैसे के लिए आपको क्या कराना होगा? अप्रूवल। क्या कराना होगा? अप्रूवल। ओके, अप्रूवल भी हो गया, पैसा भी आ गया। अब अपन को सीबीएस बनवाना है, तो देर आर सो मेनी क्या कंपनीज, फिनेकल है, फिनवन है, फ्लेक्सीक्यूब है, बैंक्स है, बैंकमेट है। आपको किससे कराना है? तो ऑब्वियसली बात है आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरिंग करनी है। समझ में आ गया? तो आपको डिजाइनिंग करवानी है, डेवलपमेंट कराना है। उसके बाद बन के आ गया, तो फिर आप उसको क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट हो जाने के बाद फिर आप ये देखेंगे कि भाई क्या बग्स वग्स कुछ है तो नहीं अभी भी, तो टाइम टू टाइम जो नए बग्स आते हैं उसको आप क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे, कंट्रोल्स लगाएंगे। समझ में आ गया? उसके बाद अब ये देखेंगे कि क्या काम उससे अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए काम अच्छे से नहीं हो रहा होगा, कुछ अपडेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो अपडेट करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों पक्का? और टाइम टू टाइम इसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, इंटरनल ऑडिट भी होना चाहिए और एक्सटर्नल ऑडिट भी होना चाहिए। तो हाउ डज सीबीएस वर्क दोस्तों? सबसे पहली चीज क्या बताइए? प्लानिंग। फिर आ जाता है अप्रूवल। अप्रूवल के बाद क्या करेंगे? सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद डिजाइन और डेवलपमेंट। उसके बाद क्या हो जाएगी? इंप्लीमेंटेशन। फिर टेस्टिंग। समझ में? सॉरी, पहले आएगा टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद फिर इंप्लीमेंटेशन। फिर मेंटेनेंस, सपोर्ट, अपडेशन, ऑडिट। समझ में आया दोस्तों पक्का? चलिए अब बात करेंगे अपन किसको लेकर के दोस्तों? सीबीएस के रिस्क को लेकर के। सीबीएस के रिस्क जो है दोस्तों, बहुत अलग अलग प्रकार के रिस्क हैं दोस्तों। जैसे कि एक है ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, आईटी रिस्क। याद आ रहा है? अब अगर सीबीएस के रिस्क की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्ट्रेटेजिक रिस्क के बारे में। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक रिस्क दोस्तों? इसी को ही अपन बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि एनवायरमेंट बदला, एनवायरमेंट के साथ हम नहीं बदल पाए, तो इसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? स्ट्रेटेजिक रिस्क। समझ में आया? कस्टमर की कुछ डिमांड्स है, आप डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, या कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा बेहतर कर पा रहा है। ठीक है, लाइक आज अगर हम बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? आज अगर अपन बात करें एक SBI बैंक की, और आज अगर हम बात करें HDFC बैंक की, SBI में हमें जाना पड़ता है, HDFC वाले हमारे घर पे बैठे रहते हैं। मतलब ये लिटरली देखा है, जितने प्राइवेट बैंक है, आई हैव गॉन थ्रू लाइक अभी इन लगभग 6 महीने के अंतर्गत मेरे 2 बैंक ऑफिशियल से लगभग किसी न किसी कारणवश होता रहा, HDFC एंड येस, ये दोनों का ऑफिशियल मतलब जितने चक्कर मैंने कटवाए उतने आए। लाइक अभी मैं क्लास में बैठा हूँ, मैंने बुला भी लिया, साइन करना था बुला भी लिया, मैंने नहीं आ पाया, मैं क्लास के बाहर 15 मिनट वेट किया, नहीं हुआ चले गए, फिर वापस दूसरे दिन आए। लेकिन SBI के केस में उल्टा होता है, हम जाते साइन करने, उसमें भी दिक्कत आती है, उसमें भी एटीट्यूड दिखाते हैं। ठीक है, एटीट्यूड दिखाने के बाद फिर 15 मिनट हमें वेट कराते हैं, और उसके बाद फिर 15 मिनट वेट कराने के बाद हम चले भी गए, तो फिर हमारा ही काम रुका रहता है, फिर हमें जाना पड़ता है दूसरे दिन, फिर क्या दिखाते हैं? एटीट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये क्या आ जाता है कि भाई वो एनवायरमेंट बदल रहा है, आपको भी बदलना होगा। नो डाउट SBI बैंक अच्छा है, नो डाउट चीजें ठीक है, लेकिन कस्टमर सेंट्रिक में आज जितने प्राइवेटाइज बैंक अच्छे हैं, उतने ये बैंक अच्छे नहीं है। तो पहला रिस्क कौन सा हो गया बताइए? स्ट्रेटेजिक रिस्क, कि आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए। दूसरा रिस्क है दोस्तों क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मतलब कि आपका जो बिजनेस की एसेट्स है वो कम हो गई और लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों? क्रेडिट रिस्क। फिर तीसरा रिस्क है दोस्तों, दैट इज नोन एज मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब कि यहां पर हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, कि यहां पर स्टॉक मार्केट के अंतर्गत जो ट्रेडिंग, इक्विटी की प्राइसेस है, इंटरेस्ट रेट्स है, ये सब ऊपर नीचे हो गए, जिसकी वजह से आपका भी क्या हो गया भाई, सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। दिस इज नोन एज व्हाट दोस्तों? मार्केट रिस्क।
स्ट्रैटेजिक रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क. नेक्स्ट कौन सा है? कंप्लायंस रिस्क. कंप्लायंस रिस्क मतलब आपने क्या नहीं किया, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया. इसके बाद है हमारा कौन सा दोस्तों, आईटी रिस्क. आईटी रिस्क के अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों, तो आईटी रिस्क के अंतर्गत सबसे पहली चीज, तो जैसे आईटी के अंतर्गत रिस्क की बात होगी तो सबसे पहले आएगा एक्सेस कंट्रोल. व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल दोस्तों? एक्सेस कंट्रोल मतलब यहां पर आप क्या है दोस्तों, आपको क्या लगाने होंगे कि भाई कंट्रोल्स ऐसे लगाने पड़ेंगे जिससे हर कोई अनऑथराइज पर्सन उसे क्या ना कर पाए दोस्तों, एक्सेस ना कर पाए. तो ये जो आईटी रिस्क है दोस्तों, इन आईटी रिस्क से रिलेटेड जो सीबीएस में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, वो यहां पे दी हुई है. पहली दिक्कत यही है, एक्सेस कंट्रोल कोई भी एरा गैरा आकर के उसे क्या कर रहा है बताइए, एक्सेस कर रहा है. दूसरी चीज ये हो सकती है यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट, मतलब कि आज इतने सारे यूजर्स होते हैं तो भाई वो सीबीएस में एक साथ कूदेंगे तो कुछ मिसमैचिंग हो गई कि एक का डेटा दूसरे के पास खुल गया तो सोचो. अरे समझ में आ रहा है, मतलब अगर मान लो मैं भी एंटर किया और मेरी फाइल इधर की उधर फ्लिप हो गई और दूसरे का डेटा मेरे सामने आ गया और दूसरे के सारी डिटेल्स मेरे सामने आ गए और मैं अगर उसकी डिटेल का इस्तेमाल करके फंड्स को ट्रांसफर इधर उधर कर सकता हूँ तो कितना आसान हो जाएगा. डेट इज नोन एज वॉट दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट हो जाता है क्या दोस्तों, ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर. ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर मतलब कहीं ना कहीं क्या है भाई, यहाँ पर कि भाई उसे ऑथेंटिकेट करना है, जिसके लिए यूजर नेम लगाया जाता है, पासवर्ड लगाया जाता है, ओटीपीज वगैरह लगाया जाता है, ये क्या है, ऑथेंटिकेशन. फिर क्या दोस्तों, ऑथराइजेशन मतलब आप क्या काम कर सकते हो क्या काम नहीं कर सकते हो. एग्जाम्पल, आप खुद पे खुद कुछ चीजें नहीं चेंज कर सकते, उसको चेंज करने के लिए आपको कई बार शायद बैंक्स के भी पास जाना पढ़ सकता है. समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑब्वियस याद है, कुछ चीजों के लिए आप यहां से बैठ करके, इंटरनेट से ही बैठ करके, सीबीएस से बैठ करके नहीं कर सकते हो. तो क्या क्या आईटी रिलेटेड रिस्क है दोस्तों? पहला है एक्सेस कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन. नेक्स्ट हो जाता है ओनरशिप ऑफ द डेटा. डेटा अगर देखा जाए तो किसके पास है दोस्तों? बैंक. लेकिन बैंक ने भी किसको देके रखा है? क्लाउड को देके रखा है. पता चला वो क्लाउड वाला डेटा उस डेटा का क्या कर रहा है, मिस यूज कर रहा है. तो इसलिए ओनरशिप ऑफ डेटा, ये भी एक क्या है दोस्तों, रिस्क है. फिर सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेस, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आज अगर देखा जाए तो हम अलग अलग जगहों से, अलग अलग सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस से कहां पर कूद रहे हैं बताइए दोस्तों? बैंक के डेटा के ऊपर कूद रहे हैं, जिसकी वजह से भाई कहीं ना कहीं वहां पर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है. मैं जा रहा हूं मोबाइल से, आप जा रहे हैं लैपटॉप से, कोई जा रहा है आईपैड से, बैंक के ऑफिशियल जा रहे हैं अपने अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से. समझ में आ रहा है? उनके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग प्रकार के डिजाइन होते हैं, तो कितने सारे अलग अलग इंटरफेसेस है. अच्छा, मैं जा रहा हूं मोबाइल के अंतर्गत मोबाइल वेबसाइट से और दिनेश जा रहा है मोबाइल के अंतर्गत मोबाइल ऐप से, तो कितने सारे क्या हो जाते हैं दोस्तों, यूज सिस्टम, यूजर इंटरफेस. ओके, फिर अगर हम बात करें दोस्तों इंसिडेंट हैंडलिंग. इंसिडेंट हैंडलिंग मतलब कि भाई यहां पर अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है दोस्तों, कहीं ना कहीं यहां पर सिक्योरिटी अटैक हो सकता है, तो आप उसको कैसे करेंगे उसकी हैंडलिंग. एंड चेंज मैनेजमेंट. व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट दोस्तों? कहीं ना कहीं न्यू सिस्टम आता है, पुराना सिस्टम जो है उसे अलग किया जाता है, तो ये चेंज का मैनेजमेंट, दैट इज नोन एज आईटी रिलेटेड रिस्क इन सीबीएस. याद रखना होगा वापस से, आईटी रिलेटेड रिस्क कौन कौन से बताइए? एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड रिस्क पूछा ना मैंने, वो रिस्क नहीं पूछा. वो रिस्क तो भाई सीबीएस का रिस्क अलग है, आईटी रिलेटेड रिस्क अलग है. सीबीएस के रिस्क के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है भाई? वहां पे स्ट्रैटेजिक आ जाता है, ऑपरेशन आ जाता है, क्रेडिट आ जाता है, मार्केट आ जाता है, कंप्लायंस आ जाता है और आईटी आ जाता है. आईटी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक्सेस कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ओनरशिप ऑफ डेटा, सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेस, इंसिडेंट हैंडलिंग और चेंज मैनेजमेंट. समझ में आया? ओके. अगर अपन बात करेंगे किसकी दोस्तों, अगर अपन बात करेंगे डेट इज अबाउट दी ऑपरेशनल की, ऑपरेशनल रिस्क की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशनल रिस्क के अंतर्गत भी अलग अलग क्या दिए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग रिस्क दिए हुए हैं, ठीक है. ऑपरेशनल रिस्क के अंतर्गत आप देखेंगे दोस्तों, एक आ जाता है आपका पीपल वाला. यस और नो? यस. तो आइए अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर हमने इसके लिए मॉड्यूल की मदद लिया था. एक बार मॉड्यूल ही ओपन कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड. कहाँ चला गया? यस, स्टडी मटीरियल ऑफर है, ये रहा.
चलिए भाई, ऑपरेशनल रिस्क में आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रिस्क दिए हैं, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग रिस्क, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, लीगल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क और पीपल रिस्क। समझ में आ गया? तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग रिस्क, मतलब कि बेसिकली क्या हुआ, बिकॉज ऑफ फॉल्टी रिपोर्टिंग ऑफ इंपॉर्टेंट मार्केट डेवलपमेंट टू द बैंक मैनेजर में अगर ड्यू टू एरर इन एंट्री ऑफ डेटा फॉर सब्सिक्वेंट बैंक कॉम्प्यूटेशन, तो ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने में क्या रह गया, गड़बड़ी हो गई। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, मतलब कि भाई इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत हाथों में पड़ गई, गलत हाथों में पड़ गई, उसको अच्छे से सिक्योर नहीं किया, जिसके कारण किसकी किसका क्या चला गया बताइए दोस्तों, रेपुटेशन चली गई बैंक की, कस्टमर कैन लूज टाइम एंड मनी। लीगल रिस्क, मतलब कि क्या हो गया दोस्तों, अराइज बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्लाइंट, द सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैंक प्रैक्टिसेस ऑफ सॉरी ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ अ बैंक, देयर आर काउंटलेस एग्जांपल ऑफ बैंक बीइंग taken to court for disgruntled corporate customer who claim that they have been misled by the advice given to them. समझ में आ गया? फिर कंप्लायंस रिस्क, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन का, और पीपल रिस्क क्या हो गया दोस्तों, आपने की पर्सनल्स को अच्छे से ट्रेन नहीं किया, उन्होंने टेम्पर्ड कर दिया रिकॉर्ड्स को, अनऑथराइज एक्सेस मिल गया डीलिंग रूम का, ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में क्या क्रिएट हो गया, नेक्सस क्रिएट हो गया, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, दीज आर व्हाट दोस्तों सम ऑफ द रिस्क। तो अगर हम ऑपरेशन रिस्क की बात की जाए तो ऑपरेशन रिस्क के अंतर्गत कौन कौन से रिस्क है, पीपल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, लीगल रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। क्या क्या है दोस्तों, पीपल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क और लीगल रिस्क। क्या बोलते दोस्तों, पक्का? चलिए अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, दैट इज अबाउट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आपको अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी दिखेगी दोस्तों। पहला इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो इंफॉर्मेशन कहां होती है दोस्तों, तो इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए पहली कौन सी सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी। दूसरी कौन सी है, लॉजिकल सिक्योरिटी, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशन सिस्टम की सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। तो भाई ये सिक्योरिटी तो याद हो जाएगी, फिजिकल सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके बाद यूजर सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, पॉलिसी प्रोसीजर। तो आपसे कोई पूछे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन सीबीएस, तो आप पहला जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आए याद करने का कि इंफॉर्मेशन कहां होती है, कंप्यूटर के अंदर, तो पहले ही फिजिकल सिक्योरिटी। कंप्यूटर को अगर आपको यूज करना है, ठीक है, अंदर घुसे तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, अंदर घुसे एप्लीकेशन सिक्योरिटी, उसके अंदर डेटा गया तो डेटा सिक्योरिटी, डेटा को इधर से उधर शेयर करोगे तो नेटवर्क सिक्योरिटी, यूजर सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का? चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सीबीएस के प्रोसेस रिस्क एंड कंट्रोल के ऊपर आने वाले, ठीक है। अब सीबीएस की अगर अपन बात करें दोस्तों, इसके रिस्क एंड कंट्रोल्स, ठीक है, तो सीबीएस के अंतर्गत तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि एक प्रोसेस है कासा, एक प्रोसेस है क्रेडिट कार्ड, एक है लोन्स एंड एडवांसेस, एक है ट्रेजरी और एक है मॉर्गेज। तो इसके रिगार्डिंग अब अपन को ये जानना होगा भाई कि यहां पर कैसे कैसे क्या होते हैं, काम होते हैं और उन कामों के अंतर्गत क्या रिस्क होता है और क्या कंट्रोल्स होगा, ठीक है। तो पहले अपन बात करेंगे किसकी दोस्तों, कासा की। व्हाट इज कासा, करंट एंड सेविंग अकाउंट के बारे में। अब करंट एंड सेविंग अकाउंट अगर ओपन करना है दोस्तों, तो भाई इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहला प्रोसेस है आप अप्लाई करेंगे किसके लिए, करंट एंड सेविंग अकाउंट के लिए। फिर वहां से वो आपसे क्या करेगा, केवाईसी फॉर्म वगैरह फिल कराएगा, ठीक है। क्रेडिट टीम आपके पास आएगी, क्रेडिट टीम आपके बारे में जानकारी लेगी, जिसके थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आपका करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को खोला जाएगा और आपके लिए एक लिमिट डाल दी जाएगी, जिसके तहत आप क्या कर पाओगे दोस्तों, आप उस लिमिट के ऊपर ओवरड्राफ्ट वगैरह कर पाओगे और कस्टमर उसे क्या कर पाता है दोस्तों, अवेल कर पाता है। वही लिखा है, कस्टमर अप्रोचेस द रिलेशनशिप मैनेजर टू अप्लाई फॉर कासा, वंस एग्री हो जाता है तो केवाईसी ले लिया जाता है, डॉक्यूमेंट रिसीव जो हैंड ओवर कर दिया जाता है क्रेडिट टीम को, क्रेडिट टीम वेरीफाई करती है, कासा ओपन होता है और फिर आपको सारी फैसिलिटी के मजे दे दिए जाते हैं, चाहे आरटीजीएस हो, एनईएफटी हो, ओडी हो, ये सारी चीजों के आपको क्या मिल जाते हैं, मजे। अब इसके अंतर्गत क्या रिस्क हो सकता है, रिस्क यही हो सकता है कि क्रेडिट लाइन अनऑथराइज तरीके से सेटअप हुई, अनऑथराइज है बैंकिंग पॉलिसी के, एक तो पहला क्या है, इट इज सेटअप अनऑथराइज एंड नॉट इन लाइन विद बैंक्स पॉलिसी, क्रेडिट लाइन सेटअप इन सीबीएस इज अनऑथराइज एंड नॉट इन लाइन विद बैंक्स पॉलिसी। मतलब क्रेडिट लाइन जो सेटअप की गई है वो अनऑथराइज है, क्रेडिट लाइन जो सीबीएस में सेटअप की गई है वो भी अनऑथराइज है। कस्टमर मास्टर डिफाइंड इन सीबीएस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद प्री डिस्पर्समेंट सर्टिफिकेट, इन एक्यूरेट आपने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, अनऑथराइज पर्सन है जो कि कासा को अप्रूव कर रहा है, उसी के जस्ट रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, की कंट्रोल्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो
क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अगर आपको लेनी है दोस्तों, तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के लिए अगेन अब कस्टमर कहाँ जाएगा दोस्तों, बैंक में जाएगा। पोटेंशियल कस्टमर मिला, केवाईसी कराया, डॉक्यूमेंट लिए, डॉक्यूमेंट क्रेडिट कार्ड टीम को दिया और क्रेडिट कार्ड टीम ने उसके बाद एलोकेट कर दिया क्या दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कर दिया। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी को जब आप यूज करते हैं तो क्या होता है, तो कस्टमर जाता है कहाँ पर, दुकान में POS मशीन पर स्वाइप करता है, POS जो है वो दोस्तों उसे प्रोसेस करता है, POS जो है विल सेंड द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट किसको, मर्चेंट के बैंक को, मर्चेंट का बैंकर किसको भेजता है दोस्तों, अपने कार्ड नेटवर्क को, और कार्ड नेटवर्क जो है दोस्तों वो कार्ड नेटवर्क जो है वो लेता है किसके बैंक के पास, वेंडर अपना इश्यूअर बैंक के पास जाता है, वहां से सारी चीजों को चेक करता है, कार्ड नेटवर्क से फिर कहां जाती है अपना मर्चेंट के बैंकर के पास, मर्चेंट के बैंकर से कहां जाती है दैट इज POS पे, POS पे एक बार ट्रांजेक्शन वैलिडेट हो गया, अप्रूवल का मैसेज आ जाता है और मर्चेंट का बैंक में क्या हो जाता है, कार्ड इशूइंग टू द कार्ड नेटवर्क विच देन फ्लोज टू द मर्चेंट बैंक एंड अप्रूव द ट्रांजेक्शन, रिसीट ऑफ द ट्रांजेक्शन जनरेटेड एंड सेल क्या हो जाती है दोस्तों, कंप्लीट हो जाती है। ये आपको ऐसा लगता है सेल कंप्लीट होती है, लेकिन एक्चुअली में सेल कंप्लीट का मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता नहीं है। अब वो जो ट्रांजेक्शन डेटा है वो मर्चेंट जो है वो ट्रांसफर करता है किसको, मर्चेंट बैंक को, मर्चेंट बैंक किसको बुलाता है दोस्तों, वो बीच में कार्ड सेटल वालों को डेट इस कार्ड नेटवर्क को बुलाता है, वीजा रूपे इन लोगों को बुलाता है, फिर क्रेडिट कार्ड इशूइंग बेसिस द ट्रांजेक्शन मेक क्लियर द अमाउंट टू द मर्चेंट बैंक बट आफ्टर डिटेक्टिंग इंटरचेंज फीस एंड एट द एंड इशूइंग बैंक क्या कर देता है दोस्तों, कस्टमर का क्रेडिट कार्ड का बिल भेज देता है जो कि उसको पे करना पड़ता है। अब यहां पे क्या हो सकता है, क्रेडिट लाइन सेटअप अनऑथराइज्ड, क्रेडिट लाइन इज अनऑथराइज्ड एंड नॉट इन लाइन विद बैंक्स पॉलिसी, मास्टर डिफाइन जो है वो नॉट इन अकॉर्डेंस है, क्रेडिट लाइन सेटअप कैन बी ब्रीच, इनएक्यूरेट इंटरेस्ट चार्ज हो गया या इनएक्यूरेट रिकंसिलेशन परफॉर्म किए गए हो। नेक्स्ट है दोस्तों किसके बारे में, मॉर्टगेज के बारे में। मॉर्टगेज जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लोन लेना है अगर आपको तो आपको कुछ ना कुछ क्या रखना पड़ता है दोस्तों, गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप गिरवी करके कुछ लोन लेते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मॉर्टगेज लोन। और जिसके लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, कोलेट्रल रखते हैं, क्या रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को कोलेट्रल रखते हैं। अब अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज लोन में, तो कितने लोन है बताइए दोस्तों, तीन प्रकार के लोन है, होम लोन, टॉप अप लोन एंड लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। होम लोन मतलब ये ट्रेडिशनल है दोस्तों, अगर मुझे घर खरीदना है तो मैं होम लोन ले लेता हूं, ठीक है, होम को गिरवी रख करके। एक होता है टॉप अप लोन, घर बनाने के लिए तो लोन ले लिया, घर के फर्नीचर के लिए पैसे ही नहीं बचा तो अपन ने क्या ले लिया, टॉप अप लोन। और नेक्स्ट हो जाता है लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, जो कि पार्ट्स में जाता है, जैसे जैसे आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है फिर वो पार्ट्स को क्या कहते हैं, डिसबर्स करना चालू कर देते हैं। अब इसके लिए अगर देखा जाए तो भाई यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर बताया गया कि भाई लोन अगर मॉर्गेज लोन आप लेते हैं तो दो प्रकार के लोन होते हैं, एक होता है फिक्स रेट लोन और एक होता है फ्लोटिंग दैट इज वेरिएबल रेट मॉर्गेज होता है। ठीक है, अब इसके लिए बोरोअर जो है वो बैंक के पास जाता है, फिल करता है एप्लीकेशन फॉर्म को, प्रोवाइड करता है KYC, फिर उसका लोन ऑफिसर रिव्यू करता है, उसकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी पता करते हैं, दिस इज डन बाय व्हाट दोस्तों, सिबिल रेटिंग पता करते गए, व्हाट इज सिबिल रेटिंग, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड रेटिंग। इसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों, एक्सपेंसेस डिटेल्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बता दिया जाता है। वंस फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी इज डिटरमाइंड देन अलोंग विद कस्टमर डॉक्यूमेंट द डिटेल आर सेंट टू अंडरराइटिंग टीम फॉर अप्रूवल। अंडरराइटिंग टीम वेरीफाई करती है एंड एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर। ठीक है, उसके बाद फिर रिक्विजिट उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह बुलाए जाते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह होती है, बिल्डर वगैरह का सर्टिफिकेट लिया जाता है, फिर ऑफर लेटर दे दिया जाता है कस्टमर को जिसके अंतर्गत सारी डिटेल लिख दी जाती है कि आपको कब कितना कैसे पे करना पड़ेगा। उसके बाद वंस एक बार साइन हो जाता है, ऑपरेशन टीम विल रिलीज और डिसबर्स द फंड एंड प्रिपेयर अ कैशियर ऑर्डर। पोस्ट डिसबर्समेंट ऑफ लोन कस्टमर कैन कैरी आउट वेरियस लोन सर्विसिंग एक्टिविटी बाय विजिटिंग ब्रांच, लाइक अमेंडमेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, चेंज इन मंथली इंस्टॉलमेंट, प्रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सारी चीजों के लिए आप बैंक में कभी भी जा सकते हैं। ये कंसेप्ट को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि जब भी जीवन में प्रॉपर्टी खरीदोगे तो बैंक लोन जरूर लेना उस प्रॉपर्टी में। पहली चीज क्यों लेना, क्योंकि ये जितने भी वेरिफिकेशन ऑफ दी प्रॉपर्टी वगैरह हो जाती है ना, ये खुद ही कौन करके दे देता है, बैंक, तो आपका काम टेंशन फ्री हो जाता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदोगे उसमें 14-15 हज़ार रुपये भी खर्चा करने पड़ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आए। चलिए, बिजनेस फ्लो ऑफ ट्रेजरी प्रोसेस। ट्रेजरी प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो बैंक के अंतर्गत ट्रेजरी प्रोसेस के नाम पर दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है ट्रेडिंग इन फॉरेक्स। ठीक है, आज इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आपको करना है तो बैंक भी आपकी मदद करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास भी होती है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, या बैंक की मदद से भी क्या कर सकते हो दोस्तों, खरीद सकते हो, या फिर आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं लाइक फॉरेक्स के अंतर्गत, लाइक फ्यूचर्स में, फॉरन एक्सचेंज में, इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स में, इनमें भी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें आप मदद किसकी ले सकते हैं, बैंक की। अब कोर एरिया ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन में तीन रूम्स होते हैं दोस्तों, एक होता है हमारा, तीन ऑफिस होते हैं, फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस, बैक ऑफिस। क्या होता है दोस्तों, फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, डीलिंग रूम। क्या बोलते हैं बताइए,
डीलिंग रूम, यहाँ पर ही सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, काम होते हैं, डीलिंग्स होती है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ डीलिंग रूम ऑपरेशन वेर इन डीलर एंटर्स इनटू द डील विद वेरियस कॉर्पोरेट और इंटर बैंक काउंटर पार्टीज, डील्स आर एंटर्ड बाय डीलर ऑन वेरियस ट्रेडिंग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स। ओके, फिर मिडिल ऑफिस होता है जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट वगैरह किया जाता है, ठीक है। आज आपको रिजल्ट वगैरह निकाले जाते हैं, ठीक है, तो आपको कौन से कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, सब क्या है आपका मार्केट रिस्क डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट कंट्रोल ग्रुप जो मिडिल ऑफिस का पार्ट है वो हो जाता है। और बैक ऑफिस के अंतर्गत क्या हो जाती है, चीजों को क्या किया जाता है दोस्तों, सेटल किया जाता है, ठीक है, जितनी भी चीजें उनको सेटल किया जाता है। और अब आपको जब आपके फायदे के लिए डीलिंग करनी हो, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, तो अब आपको कैसा फायदा हो, तो उसके लिए बैक ऑफिस भी बैठ करके क्या करता है, स्ट्रेटजीज को बनाता है। समझ में आ गया पक्का। लोन एंड ट्रेड फाइनेंस प्रोसेस में अगर देखा जाए तो लोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फंड बेस्ड, एक होता है नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में आप देख सकते हैं सीसी है, ओडी है, डिमांड ड्राफ्ट है और बिल डिस्काउंटिंग है। नॉन फंड बेस्ड में लेटर ऑफ गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट है। समझ में आया। अब लोन डिसबर्समेंट अगर हम बात करें, कस्टमर मास्टर लोन डिसबर्समेंट के अंतर्गत क्या हो जाता है, रिलेशनशिप मैनेजर जो है आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल कस्टमर को, अप्रोचेस देम कि भैया आप लोन ले लीजिए। वंस पोटेंशियल कस्टमर मान जाता है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लेते, केवाईसी में देते, क्रेडिट टीम को देते, क्रेडिट टीम वेरीफाई करती है, सेंक्शन लेटर मिल जाता है। वंस द कस्टमर अग्री विद द टर्म्स ऑफ द सेंक्शन लेटर, फिर उसको प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। डिसबर्समेंट टीम वेरीफाई करती है एंड क्रिएट कर देती है कस्टमर का अकाउंट्स। वंस द लिमिट आर असाइन, कस्टमर कैन अवेल एनी फैसिलिटी या प्रोडक्ट्स अप टू असाइन क्रेडिट लिमिट। तो भाई वो सीसीओडी डिमांड लोन ऐसे ही लिया जाता है। ओके, अगर मान लीजिए भाई यूटिलाइज करना है आपको, ठीक है, तो कस्टमर में अप्रोच द बैंक फॉर अवेलिंग द प्रोडक्ट फैसिलिटी, प्रोडक्ट रिक्वेस्टेड आर ऑफर टू द कस्टमर आफ्टर वेरीफाइंग दी और दोस्तों क्रेडिट लिमिट। इन केस ऑफ फंड बेस्ड टर्म लोन सीसीओडी आर डिस्पर्स टू द कस्टमर बैंक अकाउंट एंड करस्पॉन्डिंग एसेट इज रिकॉर्डेड इन अ लोन रिकवरेबल अकाउंट फ्रॉम द कस्टमर। इन केस ऑफ बिल डिस्काउंटिंग द कस्टमर इज क्रेडिटेड विद द इनवॉइस अमाउंट एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट। ओके, फिर इसके रिस्क एंड कंट्रोल्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। अब आइए दोस्तों मेन बात पे आते हैं, एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट। यहाँ पे पहले मेन बात की गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बेसिकली बात होती है किसकी, आरबीआई की और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में क्या कहना दोस्तों, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, लॉ में भी आपने जरूर देखा होगा। नेक्स्ट आते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई जो एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, क्यों, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स कीपिंग रिजर्व विद अ व्यू टू सिक्योरिंग व्हाट मनी एंड टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो भाई यहां पे तीन वर्किंग्स हैं किसकी, आरबीआई की, मॉनेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर एंड इश्यूअर ऑफ व्हाट दोस्तों, करेंसी। फिर यहां पर जो मेन हमें बात करना है वो बात करना है किसको लेकर के दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के। जैसे लॉन्ड्री में हम कपड़े देते हैं तो गंदे कपड़े साफ हो जाते हैं, वैसे मनी लॉन्ड्रिंग है जहां पे गंदे पैसे को क्या किया जाता है दोस्तों, साफ किया जाता है। वहां यहां पे इलीगल सोर्स से जो पैसा कमाया गया उसे लीगल सोर्स का बताया जाता है। अगर ये काम आपको करना है तो आपको करने के लिए पड़ेगा पीएलआई, दैट इज प्लेसमेंट लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो इसके अंतर्गत जो इलीगल एक्टिविटी से जहां से भी पैसा आया है दोस्तों, तो बेसिकली आपको क्या करना है दोस्तों, उसे पहले प्लेस कर देना है एक जगह पर, फिर वहां से क्या करना है, छोटा 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 करना है टुकड़ों में, और उसके ऊपर टुकड़े के ऊपर टुकड़ा चिपकाना है। जैसे कि क्या, आपने वो पैसा कहां से आया भाई, एसेट खरीदी, एसेट खरीदने के बाद एसेट बेच करके शेयर खरीदा, शेयर खरीदने के बाद शेयर बेच करके फिर अपने म्यूचुअल फंड में डाला, म्यूचुअल फंड बेचने के बाद फिर अपने एफडी करा दी, एफडी को तोड़ने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने ये पैसे से सोना खरीद लिया, तो अब ये जो सोना है सोना बेच करके हमने घर खरीद लिया, तो अभी घर कहां से आया, सोना बेच के, सोना कहां से आया था, म्यूचुअल फंड तोड़ के, म्यूचुअल फंड कहां से आया था, एफडी तोड़ के, एफडी कहां से आया पता नहीं। समझ में आया, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, लेयरिंग, और उसको फिर क्या कर दिया जाता है, इंटीग्रेट, तो वो ऑटोमेटिकली लेजिटिमेट सोर्स में आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर, तो बेसिकली यहां पे बैंक का रोल बहुत ही बड़ा होता है, इसीलिए यहां पर एक एक्ट बनाया गया है दोस्तों, पामला, जो कि बैंक्स को बोलता है कि भाई आपको बहुत सावधानी रखनी है। ठीक है, आपको कोशिश ये करना है कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होने देना है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा सोर्स भी कौन बनेगा बताइए दोस्तों, बैंक ही बनेगा। इसलिए बैंक को बोल दिया गया है कि भाई आपको सारे रिकॉर्ड्स बनाने होंगे, ठीक है, रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन विच आर कवर्ड अंडर व्हाट दोस्तों, क्लॉज बी इन सच अ मैनर एज टू रिकंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। तो आपको अपने कस्टमर्स के पूरे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फर्निश टू द डायरेक्टर विद इन सच टाइम इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजेक्शन वेदर अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटेड इन द नेचर ऑफ वैल्यू डेट मे बी प्रिस्क्राइब। एवरी इंफॉर्मेशन मेंटेन फर्निश्ड should be provided under any law for the time in force shall be kept what दोस्तों confidential। ये जितने भी हैं ये 5 साल तक के आपको क्या करना पड़ेगा, संभाल करके अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, for a period of कितना, 5 years। ठीक है, central government में by notification exempt any reporting entity or class of reporting entity from this obligation।
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है आपके ऊपर क्या लग सकती है दोस्तों, पेनल्टी लग सकती है। ओके, फिर सेक्शन 13 बात करते हैं पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज व्हाट दोस्तों, फाइन। ये डायरेक्टर किसका डायरेक्टर है, पामला का डायरेक्टर है। तो भाई डायरेक्टर में इधर ऑन हिज ओन मोशन या फिर कोई भी एप्लीकेशन कोई अथॉरिटी ऑफिस और पर्सन ने अगर दिया होगा तो इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं, एनी इफ एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और अदर प्रोसीडिंग बिफोर हिम। डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी के केस को देखते हुए लगता है कि भाई यहाँ पे रिकॉर्ड्स वगैरह को जलाया जा सकता है, रिकॉर्ड वगैरह को प्रॉब्लम में लाया जा सकता है या फिर रिकॉर्ड को अपन को ऑडिटेड करा लेना चाहिए, तो वो ऑडिटिंग के लिए भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, दे सकते हैं। इसका जो भी एक्सपेंस होगा दोस्तों वो बॉन किसके द्वारा किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, इफ डायरेक्टर अगर उसे ऐसा लगता है कि भाई अगर मान लीजिए कि वहां पे जो एम्प्लॉई है उन्होंने एम्प्लॉई जो है उन्होंने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया है तो उन्हें वार्निंग लेटर दे सकता है डायरेक्ट सच रिपोर्टिंग एंटिटी और इट डेजिग्नेटेड डायरेक्टर और एनी एम्प्लॉइज टू कंप्लाई विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट सच रिपोर्टिंग एंटिटी टू सेंड रिपोर्ट एट सच इंटरवल एज मे बी प्रिस्क्राइब या फिर बाय एन ऑर्डर इम्पोज कर सकता है क्या दोस्तों, पेनल्टी जो कम से कम कितने की होगी 10,000 की और ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 रुपए तक की। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए फिर यहाँ पर कुछ सेक्शंस का रिगार्डिंग बात हुई है दोस्तों, डेट इज सेक्शन 63 पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपने जानबूझ करके कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है दोस्तों तो ऐसे केस के अंतर्गत आपको सजा हो सकती है कितने साल की, 2 साल की। ठीक है, और फाइन हो सकता है कितना दोस्तों, 50,000 की और शक्ल अच्छी नहीं हुई तो दोनों में से दोनों। इफ एनी पर्सन बीइंग लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ रिफ्यूजेस टू साइन एनी स्टेटमेंट और टू होम समन इज पास अगर वो आया नहीं, ठीक है, तो उस केस के अंतर्गत बोला गया है दोस्तों यहां पर, तो बेसिकली अगर उसको पेनल्टी इंपोज की गई थी और उसने पेनल्टी नहीं किया तो ऐसे केस के अंतर्गत दोस्तों यहां पर बोल दिया गया है कि भाई आपके ऊपर क्या लग जाएगी दोस्तों, पेनल्टी लग जाएगी 174 ऑफ द इंडियन पिनल कोड की। कंपनीज वगैरह अगर मतलब ऑफेंस करती हैं तो उसमें फंसते कौन है, उसके डायरेक्टर्स फंसते हैं। यहाँ कंपनी का मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग दी फॉर्म, और यहाँ डायरेक्टर का मतलब है फॉर्म के केस में कौन, पार्टनर्स। समझ में आ गया दोस्तों। आईटी एक्ट के अंतर्गत अपन ने अलग अलग सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 43, 43A, 65, 66, 65, 66, 66B, C, D, E, F, 67, 67A और B। चलिए 43 बात करता है दोस्तों किसके बारे में, पेनल्टी एंड कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस ऑफ दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपने किसी का भी कंप्यूटर सिस्टम दोस्तों क्या कर दिया दोस्तों, तोड़ फोड़ दिया है दोस्तों, ठीक है, या फिर उससे बिना पूछे आपने उसके कंप्यूटर सिस्टम को क्या किया दोस्तों, एक्सेस कर लिया है दोस्तों, तो ऐसे केस के अंतर्गत, या फिर अगर आपने उसको कोई कंप्यूटर में वायरस वगैरह डाल दिया है, डैमेज कर दिया कंप्यूटर नेटवर्क को, डिसरप्ट कर दिया है, या फिर डिनाइल ऑफ एक्सेस हो गया है किसी कारणवश, या उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपने चुरा ली है, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिलीट कर दिया, स्टील कर दिया, कंसील कर दिया, तो आपके ऊपर सेक्शन 43 के तहत लग जाता है सेक्शन 66। और सेक्शन 66 बोलता है भाई आपको सजा है मौत होगी 3 साल की और फाइन होगा 5,00,000 रुपए तक का और शक्ल अच्छी नहीं हुई तो दोनों में से दोनों। सेक्शन 43A जो है दोस्तों वो बात करता है कि भाई जो कंपनीज होती है जिनके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें वो इन्फॉर्मेशन को संभाल करके रखना है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को अच्छे से संभाल के रखना है, और अगर वो नहीं रखते हैं तो फिर उनके ऊपर पे भी क्या लग जाता है दोस्तों, उन्हें लाइबल होता है कि उन्हें डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। अगर सेक्शन 65 बोलता है अगर आप किसी के कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ क्या करते हैं दोस्तों, छेड़ और छाड़ करते हैं दोस्तों, जैसा कि किसने किया था दोस्तों, टाटा इंडिकॉम वर्सेस रिलायंस, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था दोस्तों, यस। तो अगर आप उसके सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ क्या करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर सोर्स के डॉक्यूमेंट के साथ छेड़ छाड़ करते हैं तो आपको वहां पर लग जाता है कितना, 2 साल, सॉरी 3 साल और कितने, 2,00,000 या फिर दोनों में से दोनों। 66B, बी मतलब क्या दोस्तों, बर्गलरी, बर्गलरी मतलब, यस बेटा, तो बर्गलरी मतलब क्या, चोरी बेटा, यस बेटा। अगर आपने क्या किया दोस्तों, आपने किसी का चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो या फिर अगर आपने चोरी में सहायता की हो दोस्तों, तो फिर आपके ऊपर 3 साल तक की सजा है दोस्तों और एक्सटेंड है कितना, 1,00,000 और सजा, और चेहरा अच्छा ना होने पर दोनों में से दो, वेरी गुड। फिर सेक्शन 66C बोले तो अगेन चोरी, ठीक है दोस्तों, अगर अपन बात करें क्या चोरी किया आपने किसी का प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जैसे कि वो छोटी सी बच्ची ने, सीए बच्ची ने क्या कर दिया था दोस्तों, अनिल अंबानी का आईटीआर खोलने के लिए आईडी पासवर्ड हैक कर लिया था, चोरी कर लिया था, तो अगर आप ऐसा कोई गंदा गिनौना काम करते हैं तो दोस्तों आप उसके तहत जा सकते हैं 3 साल की जेल में और आपको लग सकता है कितना, 1,00,000 और इसमें शक्ल भी देखी नहीं जाएगी। ओके,
फिर है 66 डी, डी बोले तो दाऊद याद आ रहा है दोस्तों, तो दाऊद है दोस्तों, तो दाऊद क्या करता है दोस्तों, चीटिंग करता है ठीक है। तो अगर whosoever by means of any communication device or computer resource by personation shall be punished with the imprisonment of either description of a term which may extend to कितना 3 years and shall also be liable to a fine which may extend to 1 lakh। ओके 66 ई बात करता है किसके बारे में, प्राइवा सी के बारे में, जो किसके साथ हुआ था, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ठीक है बेटा। स्मिता ईरानी, स्मृति ईरानी, इनके साथ क्या हुआ था दोस्तों, फैब इंडिया में चेंजिंग रूम में क्या था बताइए, कैमरा रखा हुआ था। तो अगर मान लीजिए ये चीज होगी दोस्तों तो क्या था दोस्तों, 3 साल और फाइन अप टू रुपीज 2 लाख और शक्ल अच्छी ना होने पर दोनों में से दोनों। 66 एफ बात करता है साइबर टेररिज्म की दोस्तों, ठीक है एफ और फांसी ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात डिनाइंग और कॉज ऑफ डिनाइल ऑफ एक्सेस एनी पर्सन, आप उसको सिस्टम यूज करने नहीं देते, अटेम्प्टेड टू पेनिट्रेट और एक्सेस अबाउट दोस्तों कंप्यूटर रिसोर्स, ये इंट्रोड्यूस करते हैं क्या कोई भी क्या दोस्तों वायरसेस वगैरह, नोइंगली एंड इंटेंशनली अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आपके ऊपर क्या लग जाता है दोस्तों, साइबर टेररिज्म लग जाता है, इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू वर्ड दोस्तों लाइफ टाइम, दैट इज फांसी। वेरी गुड दोस्तों। 67 पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटीरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप ऑब्सीन मटीरियल मतलब गंदा ठीक है बेटा, जो गंदा होता है ठीक है, ऐसा मटीरियल अगर आप डालते हैं कहां पे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आप डालते हैं तो उसके तहत आपको भी क्या हो सकता है दोस्तों, आपको 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 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है ठीक है, फर्स्ट टाइम में, और सेकेंड टाइम में क्या होगा बताइए, सॉरी फर्स्ट में कितने का है 3 साल एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख एंड इन द इवेंट ऑफ अ सेकेंड और सब्सिक्वेंट, तो यहां पर बोला गया एक्सटेंड टू 5 इयर्स एंड ऑल्सो फाइन ऑफ कितना 10 लाख। जब आप क्या करते हो, पब्लिश करते हो, ट्रांसमिट करते हो, कॉस्ट करते हो कोई भी ऐसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो क्या है दोस्तों, देखने योग्य नहीं है, खराब है, गंदा है ठीक है, ऐसी कोई भी बात अगर आप बोलते हैं या आप बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उसमें डालते हैं तो आपके खिलाफ 67 के तहत क्या हो सकता है दोस्तों, केस हो सकता है। नाम तो सुना ही होगा वीर देश, नहीं सुना है, चले वीर देश ही है शायद, नहीं 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 वीरदास, सॉरी वीरदास, सुना है इसके बारे में, नहीं सुना, वीरदास नहीं सुना है, इंडियन कॉमेडियन है बेटा, जिसके तहत अभी अभी कल ही क्या हुआ है, एफआईआर हुई है, एफआईआर हुई है दोस्तों, ये इंडिया के बाहर ही शो करता है बेटा, और इसने क्या किया, 2 इंडियंस पर बात कही है ठीक है, आई केम फ्रॉम 2 इंडिया, तो उसने 2 इंडिया में कंपेयर किया है कि हम इंडियंस की सोच कैसी है ठीक है, मतलब इंडिया देश कैसा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने भी पूरा नहीं सुना, इंस्टा में आया हुआ था तो इसमें बताया था कि भाई इंडिया हम, मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पे फॉर एग्जांपल जो दिन में फॉर एग्जांपल देवियों को पूजा जाता है और वहीं पर ही फिर फीमेल्स के साथ गलत भी किया जाता है, तो आई केम फ्रॉम 2 इंडियंस, ऐसे करके उसने बहुत बड़ा उस पर क्या किया है, बहुत सारी बात बोली है ठीक है। देख रहे हैं गिव हिम अ ट्रैक्शन विच क्या लिखा है, चिकन चेतन भगत कंपेयर्स मदर्स टू मदरलैंड एंड ट्वीट द इंडिया डेट, हाँ केस हो गया ना उसके ऊपर, तो बेसिकली इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इंडिया में शो ही नहीं करता ठीक है, तो इसने इंडिया के बाहर ही किया था ठीक है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ गया था बेटा, नहीं यहाँ के ये ट्रिप टू सवाना यूटोपिया यहीं गया था क्या, पता नहीं कहीं क्या भी था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं, अचानक से याद आ गया तो मैंने ये ले लिया, तो ये बहुत अच्छा इसने बोला तो बहुत अच्छा था ठीक है, मतलब अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं, बोला काफ़ी अच्छा था लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, केस हो गया। आइए बात करते क्या दोस्तों, किसके बारे में, 67 ए के बारे में, ए स्टैंड्स फॉर एडल्ट। अगर मान लीजिए दोस्तों आपने कोई भी ऑब्सोलीन्स मटीरियल, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटीरियल अगर आपने डाला होगा दोस्तों कहाँ पर, पब्लिश किया होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, वहां पर फर्स्ट कॉन्विक्शन होने पर इधर कितना दोस्तों 5 साल और एक्सटेंड टू 10 लाख और सेकंड पर कितना है दोस्तों 5 साल और सॉरी 7 साल और 10 लाख, समझ में आया कि नहीं, दोनों में 10-10 लाख ही है ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते दोस्तों किसके बारे में, ओके ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट है किसके बारे में दोस्तों, पब्लिशिंग ऑफ व्हाट दोस्तों, मटीरियली डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, तो 67 बी, बी बोले तो बच्चा, समझ में आ गया, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अगर ये सारी चीज़ें कुछ होती है दोस्तों तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर मैंने रेगुलर क्लास में काफ़ी सारी बातें आपको बताई थी दोस्तों, तो अगर ये भी होता है तो इसके ऊपर बताया गया कि अगर आप फर्स्ट टाइम कॉन्विक्शन होता है तो फिर कितना है दोस्तों 5 साल विद अ फाइन ऑफ 10 लाख, सेकेंड टाइम में कितना है दोस्तों 7 साल और वही है 10 लाख, मतलब 67 बी और ए दोनों क्या है, शेम और शेम है, समझ में आ गया।
SPDI के बारे में आप पढ़ सकते हैं और बाकी चीज़ें यहाँ पे यही है। समझ में आएगा दोस्तों? यस, क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई दोस्तों? पक्का? अच्छे तरीके से। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आर चैप्टर नंबर 3, 4, 5 फ्रॉम माई बुक दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। दूसरा है हमारा ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस और फिर है हमारा कोर बैंकिंग सिस्टम। क्या कोई भी डाउट दोस्तों इसमें? बोलिए। क्या अच्छा लगा आप लोगों को सब रिवाइज करके एक बार में? यस, चलो एक बार देख लेते हैं कुछ मेरे पास क्या है। क्या बेटा? हाँ हाँ, सब याद करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मनीष मित्तल जी आपका कहना है कैसे याद करेंगे? बेटा पढ़ पढ़ के याद करेंगे, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बेटा। जीवन बहुत आसान है, आप ही उसे उलझा देते हैं, ठीक है। रिस्क है कि भाई आपको नहीं याद होता, कंट्रोल है कि पढ़ाई करें याद हो जाएगा। EIS ने हमें यही तो सिखाया बेटा। अब लिमिटेशन है कि 15 दिन बचे, बट कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तो 15 दिन में निपट जाएगा, नहीं करेंगे तो 6 महीना 15 दिन बाद निपटेगा। क्या दिक्कत है? आइए चलो चलो दोस्तों, डिस्टिंग्विश करना बिटवीन द एप्लीकेशन सर्व हुआ, डेटाबेस सर्व हुआ। ओके भाई, नेक्स्ट है एनालाइज द कोर फीचर ऑफ व्हाट दोस्तों? कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग के अभी फीचर्स पूरे एक साथ मैंने आपको क्या करे थे दोस्तों? बताए थे, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक साथ ही हो जाते हैं, फिर रियल टाइम में हो जाते हैं, सारी फाइल साइमल्टेनियसली क्या हो जाती है दोस्तों? अपडेट हो जाता है, रिमोट इंटरेक्शन हो जाता है, हाईली डिपेंडेंट ऑन, ये इतना सारा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मेरी बुक में मैंने जगह बचाई तो 2 जगह पर ऐसे ऐसे लिखवाया, याद है? चलो आ जाओ नेक्स्ट। ब्रीफली एक्सप्लेन मेजर टेक्नोलॉजी कॉम्पोनेंट ऑफ CBS सोल्यूशन। मेजर टेक्नोलॉजी कॉम्पोनेंट ये अपन ने देखा नहीं है, लेकिन ये मेरी किताब में, अभी रिवीजन में मैं नहीं ले पाया, लेकिन मेरी किताब में दिया हुआ डेटाबेस एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, एंटरप्राइज सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट आप देखेंगे तो ये सारी चीजें वहां पर दी हुई है, ठीक है। लास्ट में होगा तो मैं आपको एक बार जरूर दिखा दूंगा, ठीक है। चलो, डिस्कस वेरियस रिस्क डेटा एसोसिएटेड विद CBS सॉफ्टवेयर। अभी रिस्क पढ़े थे, ऑपरेशन रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, फिर कंप्लायंस रिस्क, और उसके अलावा लीगल रिस्क था, और क्रेडिट रिस्क था, मार्केट रिस्क था, और IT रिस्क था। वेरी गुड, तो ये पूरा यहां पर दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? चलिए, लिस्ट द की प्रोविजन ऑफ IT एक्ट रिगार्डिंग IT रिलेटेड ऑफेंस इंपैक्टिंग बैंक। तो ये जो स्टार्टिंग में दिया हुआ बैंकिंग का वो है, और ये की प्रोविजन IT एक्ट के यही है दोस्तों, ठीक है, जो अपन ने अभी पढ़े हैं, ठीक है। चलो, हाँ कर देंगे तो अच्छा है, बिल्कुल, ये बोला ही है उसमें, बोला ही है ना, ठीक है। तो की प्रोविजन ऑफ IT रिगार्डिंग IT ऑफेंस, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये भी कोट करना पड़ेगा, ठीक है, की प्रोविजन ऑफ IT एक्ट। चलिए, फिर इन लाइन विद द सजेशन ऑफ RBI बैंक इज प्लानिंग फॉर ISO, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सैंपल लिस्ट ऑफ रिस्क, अलग अलग प्रकार के रिस्क के बारे में आपको बताना है। यस, डिस्कस द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस इन इट्स डिफरेंट स्टेजेस, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, ठीक है।